दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लायंसगेट पोर्टल एनर्जी अपडेट लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारा 8-8 का पोर्टल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल रहता है ये पूरे साल का, तो आप सभी ब्लेसिंग्स के लिए वेलकम कीजिए, खुद को ओपन अप कीजिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंटेंस और हाई रहती हैं, तो यही इंटेंस और हाई एनर्जीज जो है आप लोगों पर अभी करंटली इम्पैक्ट डाल रही होंगी। कलेक्टिवली कलेक्टिवली जो यहाँ पर हो रहा है, एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंसली आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। देखिए, जैसे अगर आप लोगों को इस पोर्टल के बारे में नहीं पता है तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस चैनल पर नए हैं या इस जर्नी पर ही अभी न्यू न्यू एंटर किए हैं, जिनको अभी इस जर्नी के बारे में पता चला है। ऐसे सब्सक्राइबर भी हमारे चैनल पर हो सकते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ये जो 8-8 का पोर्टल होता है, ये साल का सबसे ज्यादा पावरफुल पोर्टल होता है। हमारा जो सायरस स्टार है इस टाइम पीरियड में पावरफुल एक्टिवेशन के साथ जो ग्रिड तैयार करता है, हमारी जो मिस्र में, हमारे इजिप्ट में पिरामिड्स हैं, पिरामिड ऑफ गीजा, वहां पर ये अलाइनमेंट होता है। और सबसे ज्यादा हाई कॉस्मिक एनर्जी को इस टाइम पीरियड में हमारी मदर गाया रिसीव करती है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी रिसीविंग सेंटर होता है, मेन पॉइंट, वो हमारे मिस्र में, इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा रहते हैं। बट ओवरऑल हमारी अर्थ जो होती है बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव वाली एनर्जी में होती है इस टाइम पे, इसीलिए आप देखते हैं कि इतनी इंटेंस एनर्जी होती है, इतनी हाई एनर्जीज होती हैं। और ऑब्वियसली अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, असेंशन की जर्नी पर हैं, तो ये पोर्टल आपको अफेक्ट करते हैं और इंटेंस है एनर्जीज। और अगर मैं बात करूँ इस साल में हमारे कैसा रहने वाला है ये 8-8 का पोर्टल, क्या चेंजेस, क्या बड़े बदलाव लेकर आएगा आप लोगों की लाइफ में, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कलेक्टिवली मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले अगर मैं कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की बात करूं, तो ये जो पोर्टल है ना, आप दोनों को आपकी रियल स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करेगा। देखिए, लायंस गेट जो पोर्टल होता है ना, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस टाइम पर लायंस की वीडियोस, पिक्चर्स या ड्रीम्स में भी लायंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि आप इस पोर्टल की एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पोर्टल आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ आपकी लाइफ में एक बैलेंस को लेकर आता है। 8 नंबर को अगर आप देखते हैं तो कर्मा बैलेंस का भी नंबर है और इन्फिनिटी को भी दिखाता है। तो आफ्टर कर्मा बैलेंस आपकी लाइफ में जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आती हैं, अबंडेंस की एनर्जी होती है, अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर। तो वो चीजें इस टाइम पे आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करें गाइस, सोच समझ के मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें अपने लिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होती है आपकी मैनिफेस्टेशन। तो जो भी अपने लिए आप बेटर चाहते हैं, अच्छी जिंदगी, ब्यूटीफुल लाइफ, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें इस टाइम पे। वो बहुत ही पॉजिटिवली और जल्दी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, ये तो थी कलेक्टिवली कि आप जो हैं धीरे धीरे बैलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी रियल स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करेंगे और अबंडेंस की एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में। और अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज हैं, देखिए गाइस, इस टाइम पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलिन सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। सन जो होते हैं अपनी खुद की राशि में होते हैं। सन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी को, सन रिप्रेजेंट करता है सोल को।
ठीक है, आपकी आत्मा का कारक होता है सूर्य। इस टाइम पर मैस्कुलाइन एनर्जी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाले टावर मोमेंट्स फेस करने को मिलेंगे। डेफिनेटली ऑलरेडी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, अगर मैस्कुलाइन मुझे सुन रहे हैं इस चैनल पर तो जरूर से कमेंट करके बताएं। बहुत ही जबरदस्त टावर मोमेंट्स, और ऐसे टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में इस टाइम पे इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनके अंदर का एक ईगो पैटर्न रह जाता है, पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आएंगे, या ऑलरेडी कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। जितनी भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनकी लाइफ में, जो ईगोइस्टिक उनका बिहेवियर रहा है या नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते रहे हैं, एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा ये जो पोर्टल है उनकी लाइफ में, और जितने भी उनके नेगेटिव पैटर्न्स हैं बहुत ही जल्द शटर होंगे, उनकी ईगो उनके सामने शटर होगी। जितना भी फूलिश बिहेवियर उन्होंने किया, या मल्टीपल चॉइसेस, या कुछ भी ऐसे डिसीजन लिए जो उनके लिए बेवकूफी भरे रहे हैं, इस टाइम पीरियड में उनको पूरी तरह से डिवाइन उनकी ईगो को शटर करने वाले हैं। और स्पेशली ये उन लोगों के साथ, उन मैस्कुलाइन्स के साथ होता है जो बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं ना, जिद्दी होते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से अपनी गलती को, या अपनी ईगो के ऊपर ही टिके रहते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के साथ, उन मैस्कुलाइन्स के साथ होता है, और बहुत ही बुरी तरह से उनकी ईगो शटर होती है। एक मेजर शिफ्ट लेकर आता है ये जो पोर्टल है, और ये साल का जो पोर्टल है वैसे ही बहुत ज्यादा हाईली अफेक्ट कर रहा है यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी की। अगर मैं बात करूं, जितने नेगेटिव पैटर्न्स कैरी किए हुए हैं सभी उनके सामने देखते देखते उनको ट्रिगर मिलेंगे, उनकी ईगो पूरी तरह से शटर होगी। जितना वो मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते थे, या उनको लगता था कि सिर्फ वही सही डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे बहुत से मैस्कुलिन की ईगो यहाँ पर मुझे रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड जो भी ईगो उनकी रिलीज होगी, उसके बाद जो है मैस्कुलाइन जो उठकर खड़े होंगे, वो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करेंगे। जब ईगो शटर होती है ना, तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, उसे हर तरफ से ऐसी ही चीजें फेस करने को मिलेंगी जो उनकी ईगो को हर्ट कर रही होंगी। तो ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैस्कुलाइन। अगर जगलिंग वाली एनर्जी में थे, वो भी सिचुएशन यहाँ पर एंड होगी, वहां से भी मूव ऑन करेंगे, और होम कमिंग की एनर्जी है तो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करेंगे बहुत डीपली। बहुत कुछ उनको रियलाइज कराया जाएगा, और बहुत कुछ उनकी लाइफ में एंड भी होगा। स्पेशली जो नेगेटिव पैटर्न्स को वो कैरी किए हुए हैं, वो चीजें यहाँ पर एंड हो रही होंगी। एक एक करके जो उन्होंने अपनी ईगो का एक महल बनाया हुआ था, या अपनी ही जो थॉट प्रोसेस से वो चल रहे थे ना अब तक, वो सब एक एक करके यहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब जो भी वो सोचते आए थे सब इल्यूजन है, ट्रुथ तो कुछ और ही है। तो उस ट्रुथ के साथ उनको कनेक्ट किया जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर मैस्कुलाइन की लाइफ में दिखाई दे रहा है, स्पेशली फॉर दोस्त जो बहुत ही ज्यादा रिजिड रहे हैं मैस्कुलाइन, जो एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियां, उनके लिए ये ज्यादा सिचुएशन हैवी हो सकती है। इस पोर्टल में उनको ये एनर्जी ज्यादा हैवी इम्पैक्ट डाल सकती है इस टाइम पीरियड में। और ऑब्वियसली आपके मैस्कुलाइन्स के साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स तो उनकी एनर्जी को पिक करती हैं, बिकॉज ऑफ आप इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को यहाँ पर कैरी किए हुए हैं। यहाँ पर मैस्कुलाइन्स को ना, जो मैं कहूँ उनको रियल जो ट्रूथ है कि एक्चुअल में जिनको वो अब तक अपना समझते हैं, या उनकी लाइफ में जिन चीजों को उन्होंने जितनी इम्पोर्टेंस दी है अब तक, अपनी ईगो की वजह से या किसी भी फियर की वजह से, कुछ भी ऐसी सिचुएशन की वजह से जिन्होंने जिन चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है, वो कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। जो मैटर करती है उनकी सोल की सेटिस्फेक्शन है, जो उनको अपने अंदर अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने से मिलती है। तो ये चीजें उनको समझाई जाएंगी, और ये भी उनको रियलाइज होगा यहाँ पर कि ये जो बॉडी है, ये जो लोग हैं, ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी जो भी हमारे रिलेशंस हैं, ये सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट इज गॉड ओनली। ये सब चीजें यहाँ पर रियलाइज कराई जाएंगी। और बहुत ही जबरदस्त वाली यहाँ पर
हीलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, उनको एक्चुअल में अपनी रियल पावर समझ में आएगी। और थोड़ी पेनफुल ये एनर्जी है डेफिनेटली गाइस, आपको भी ये पेन फील हो सकता है फेमिनाइंस, आपको भी आपके मैस्कुलाइंस की इस पेन को फील करने में शायद थोड़ी पेन आपको भी फील हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत हैवी फील हो रही है। एक्चुअल में पास्ट 2-3 दिन से मैं इस एनर्जी को फेस कर रही हूँ। हो सकता है फेमिनाइंस, अगर आप अपनी मैस्कुलाइंस की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आप रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, या आपकी बॉडी बहुत लेजीनेस फील कर रही है, स्पेशली आपका रूट चक्रा अफेक्ट हो रहा होगा। फेमिनाइंस, अगर आप अपने मैस्कुलाइंस की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आपके रूट चक्रा में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाली सेंसेशन हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है, या पेन हो सकता है। आपको रूट चक्रा से रिलेटेड कोई इश्यू अगर आप फेस कर रहे हैं, इट मीन्स आपके मैस्कुलाइंस की लाइफ में इस टाइम पर उनकी ईगो डेथ का ये जो चल रहा है, टावर मोमेंट्स का फेस, वो एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं, अगर आपका रूट चक्रा अफेक्ट हो रहा है इस टाइम पे। ठीक है, तो फेमिनेंस आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन है तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आप सिर्फ प्रे कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए। और अगर मैं बात करूं हमारी फेमिनेंस, फेमिनेंस आपको इस टाइम पर जो फील करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइन के साथ और ज्यादा डीपली कनेक्टेड फील करेंगे। आप फील करेंगे कि आप डिवाइन के साथ बहुत ही ज्यादा एक क्लोज वाले, जिसे डिवाइन मर्जिंग होती है ना, वो एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। बहुत से लोगों का ध्यान बहुत गहरा होने वाला है, ऑटोमेटिकली आप ध्यान की स्टेट में जा रहे हैं, ट्रांसेंस स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत हाईली कनेक्टेड हैं डिवाइन के साथ। तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हुई, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी ना पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है, जितनी इल्यूजन्स हैं उसकी क्लियर हो चुकी हैं, ट्रूथ के साथ पूरी तरह से जुड़ती हुई एक अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में मुझे फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। बट उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, या जो भी बर्डन था अब तक वो ले रही है, वो कहाँ से आ रहा है, एनर्जी कैसी फील हो रही है, ये सब चीजें शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी भी पिक कर रही होंगी। और इस टाइम पर फेमिनाइंस मोस्टली उनका जो ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना, नॉलेज की तरफ होगा, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल चीजें देखने में ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई आपकी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, ड्रीम स्टेट में आपको बहुत से डाउनलोड्स हो सकते हैं, बहुत सारे मैसेज मिल सकते हैं डिवाइन की तरफ से, उन्हें लिखें, डीकोड करें। इस टाइम पर जो ड्रीम्स आने वाले हैं बहुत ही पावरफुल हो सकता है, आपको ड्रीम्स में दिखाई दे कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, या आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, या कपड़े मिल रहे हैं, मिठाइयाँ मिल रही हैं। अगर आपको इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि आप जो है अबंडेंस की एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, एक नई शुरुआत के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। अपने साथ जस्टिस करती हुई फेमिनिन एनर्जी बहुत टाइम से इस टाइम का जो वेट कर रही थी ना, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, इस टाइम का वेट किया है जिन्होंने, उनके साथ यहाँ पर मुझे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में, अबंडेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है फेमिनिन, और पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पर कि अभी उनकी लाइफ में जो उनके कार्मिक एनर्जीज हैं ट्रिगर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अगर कोई कार्मिक एनर्जी इस टाइम पर उनको ट्रिगर कर भी रही है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको सडनली फील हो कि फिर से कार्मिक्स जो है आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बट आप यहाँ पर पूरी तरह से अपनी विजडम का यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्टेड रखने की, नेगेटिविटी को सर्व ना करने की। तो अपने आप को बैलेंस में रखें और इस अबंडेंस की एनर्जी को एंजॉय करें, एंड फोकस रखें अपने आप को। जो डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर वर्क कर रही है, तो आप सिर्फ सरेंडर मोड में रहें, खुद पर ध्यान दें और इस अबंडेंस की एनर्जी को वेलकम करें, इस पोर्टल का वेलकम करें। तो ये थी गाइस एनर्जीज, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी, कमेंट्स में जरूर बताएं और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर से फॉलो कर लें सभी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।